तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं वो है ई कल्याण स्कॉलरशिप से रिलेटेड। तो ई कल्याण स्कॉलरशिप 2023 से 24, जो कि आपको यहां पे बोर्ड में भी दिख रहा होगा, ई कल्याण स्कॉलरशिप 2023 से 24, इसका डेट जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। तो पूरा डिटेल के साथ में बात करने वाले हैं, एक्सटेंड किया गया है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसीड्योर है, कहां पे लैग कर रहे हैं, ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो। पॉइंट टू पॉइंट हम बात करने जा रहे हैं। जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, बगल के बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए मैं बात करने जा रहा हूं वो है आपका ई कल्याण स्कॉलरशिप 2023 से लेकर के 24 का। तो इसका बात करें तो इसका जो ये बात है कि ये सिर्फ किसके लिए है, ये झारखंड के लिए है, झारखंड के लिए है। तो झारखंड के जितने भी होंगे, तो झारखंड के जितने भी स्टूडेंट है उनके लिए है। लेकिन इसमें भी क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है कि झारखंड के कौन सा स्टूडेंट, एसटी एससी एंड ओबीसी। तो एसटी एससी एंड ओबीसी स्टूडेंट के लिए ये ई कल्याण स्कॉलरशिप आपको दिया जा रहा है। जनरल के लिए ये नहीं दिया जाता है। तो जनरल के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके लिए ये नहीं है। तो ये आपका ई कल्याण स्कॉलरशिप क्लियर होगा आपको कि एसटी एससी ओबीसी के स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। वो भी कौन अप्लाई कर सकते हैं, जिनका 2 लाख से कम होगा, मतलब कि उनके पेमेंट जो है, उनका जो फैमिली इनकम होगा 2.5 लाख से कम होगा, वो अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है वो आपका 21-22 तारीख तक का था, लेकिन उसको बढ़ा दिया गया है, और बढ़ा करके क्या कर दिया गया है, 30 अप्रैल 2024। इसको आप फाइनल मानिएगा, मैं साफ तौर पे आपको बता दूं, इसको फाइनल मानिएगा। इसके बाद आपको एक्सटेंड करने की चांसेस नहीं है, इसके बाद एक्सटेंड होने की चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक्सटेंड पे एक्सटेंड हुआ है, और ये जो है ये आपका फाइनल माना जाएगा एक तरह से, क्योंकि इतना लंबा टाइम दे दिया गया है। अभी मार्च चल रहा है, लेकिन अभी जो है वो अप्रैल तक में आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, तो सीधा सी बात है कि आप ई कल्याण के वेबसाइट पे जाइएगा, वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा, वहां पर रजिस्ट्रेशन पहले करना है। रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे रजिस्ट्रेशन करने में। बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि उस पर जो है अपना नाम को गलत कर दिए, मोबाइल नंबर को गलत कर दिए, या फिर आधार नंबर को गलत कर दिए, तो फिर उनको दिक्कत होती है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है। रजिस्ट्रेशन किनका होगा, जो स्टूडेंट पहली बार अप्लाई कर रहे होंगे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। वहीं पे बात करें, जो स्टूडेंट पहले से अप्लाई कर चुके हैं उनके लिए वो डायरेक्टली लॉगिन करके वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या रिन्यूअल का ऑप्शन आ रहा होगा तो रिन्यूअल भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा, पहले जब भी आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने समय से याद रखिएगा कि आपका जो उसमें है क्या क्या मेन डॉक्यूमेंट है। मेन डॉक्यूमेंट आपके लिए है कि कास्ट हो गया, रेसिडेंशियल हो गया और इनकम, ये तीनों चीज है। ये तीनों चीज को मारवाड़ी कॉलेज की बात करें हम, हर जगह पर ये वैलिड नहीं होगा क्योंकि हर जगह का रूल और रेगुलेशन अलग होगा, लेकिन रांची यूनिवर्सिटी एक नोटिस निकाला था जिसमें कस्टमर सर्विस पॉइंट जो है ये कौन सा है, मतलब आपका प्रज्ञा केंद्र जितने भी हैं वहां से आपको वेरीफाई करना होगा ये कास्ट, रेसिडेंशियल और इनकम। तो ये एक भी और थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं, ये सीएससी नहीं होगा, मतलब कि है होगा आपका कस्टमर सर्विस सेंटर, प्रज्ञा केंद्र जो है कस्टमर सर्विस सेंटर होगा। इसमें जो है आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल और इनकम तीनों में क्या करना होगा, यहां से जो सीएससी है अपना सिग्नेचर करेंगे और अपना मोहर लगाएंगे। अगर ये चीज नहीं रहा और अपलोड करते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो रिजेक्ट अभी तक जितने स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको रिजेक्ट कर दिया गया होगा, तो उनको क्या करना है, डबल से फिर से आप उसको क्या कीजिए, वेरीफाई करा लीजिए, अपलोड कीजिए, और वो जो डॉक्यूमेंट है कॉलेज में जाकर के जमा कीजिए। अब जब इसको आप अप्लाई कर लेते हैं, उससे पहले एक चीज और जरूरत पड़ेगा, वो जरूरत पड़ेगा आपको बोनाफाइड का। बोनाफाइड कौन देता है, ये कॉलेज देता है, कॉलेज से आपको मिलेगा बोनाफाइड, कॉलेज से बोनाफाइड मिलेगा। और इसमें और भी क्या जरूरत पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट आपका रिजल्ट का जरूरत पड़ेगा। तो स्टूडेंट जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया था, अभी रिजल्ट आ रहा होगा, उसके अनुसार फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट सेमेस्टर का जो है, मतलब लास्ट ईयर का जो है, उसका जो है रिजल्ट आपका आया होगा, उसका जरूरत पड़ेगा। बोनाफाइड जो सर्टिफिकेट है कॉलेज जो इशू करेगा वो आपका जरूरत है। तो ये सारा चीजों को लेकर के आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। डेट क्या है फिर से मैं बता दूं, 30 अप्रैल 2024 ये फाइनल मानिएगा। इसके बाद ये मत लेके चलिएगा बार बार एक्सटेंड हो रहा है तो एक्सटेंड होता रहेगा। 30 से पहले जो है, 30 नहीं मैं बोलूंगा, इससे पहले मैं बोलूंगा कि आपको 20 तक में आप कर लीजिए। क्यों 20 तक कर लीजिए, साइट स्लो हो जाएगा, ई कल्याण वेबसाइट का साइट को स्लो कर दिया जाता है ताकि आपको फिर उसमें अटकलें आएंगी। तो 20
लास्ट तक जाते जाते उससे अच्छा है कि 20 तक में आप कंप्लीट कर लीजिए, उसका जो कॉपी है कॉलेज में जाके जमा कीजिए। ये जो अप्लाई करेंगे, ये सारा चीज जो अप्लाई करेंगे उसको कॉलेज में जाकर के इसका डॉक्यूमेंट, एक से डॉक्यूमेंट पूरा देना है। अगर आप नहीं देते हैं तो क्या होगा, कॉलेज अप्रूव नहीं करेगा। अब कॉलेज अप्रूव नहीं करेगा तो फिर आगे वो नहीं जाएगा। अब इसका हायरार्की बहुत ही खतरनाक होता है। खतरनाक क्या होता है कि पहले तो कॉलेज आपको अप्रूवल देगा, कॉलेज से क्या जाएगा, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल से अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद में ये जाएगा ऊपर के अथॉरिटी में जाएगा, जैसे कि आपका बात करें DAO के पास जाएगा, वहां से बात करें तो ये फिर लास्ट आपका फाइनल स्टेज होता है AA। अगर AA अप्रूव हो गया है मतलब कि आपको पैसा आने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अब बात यहां पर एक चीज और आता है, आधार सीडिंग की बात आती है। आधार सीडिंग ये अगर आधार सीडिंग नहीं किए रहेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए आप जब फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसमें आपको आधार आपका जो है बैंक पासबुक नहीं मांगा जा रहा है। क्यों नहीं मांगा जा रहा है, क्योंकि जो आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड से जो भी आपका बैंक अकाउंट लिंक्ड है उसी में पैसा जाएगा। यहाँ की बात करें, थोड़ा सा मैं और भी बात कर लूं कि एक बात है कि 2022 से लेकर के 2023 सेशन के जो स्टूडेंट हैं जिनका भी AA अप्रूव्ड हो गया था, और जिनका AA अप्रूव्ड हो गया है, नहीं तो फिर DEO में अगर आपका अटका हुआ है मतलब आपका आधार सीडिंग नहीं है, रिजेक्ट नहीं हुआ है, DEO में अटका हुआ है मतलब कि आपका आधार सीडिंग नहीं है, और AA जिनका अप्रूव हो गया है उनका पैसा अगर नहीं आया है मतलब कि आपका आधार सीडिंग नहीं है, एक बार जरूर आधार सीडिंग चेक कराइए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका AA हो चुका है, उनका पैसा अभी तक में क्लियर हो चुका है, पुराना वाला आ चुका है, और जो नया वाला है अब इस पे बात होगी कि कब आएगा पैसा। सबसे पहली बात है कि लास्ट डेट जो दिया गया है, लास्ट डेट से तो पहले तो आने वाला नहीं है, क्योंकि लास्ट डेट जो है उसके बाद में कहां होगा, कॉलेज आपको अप्रूवल करेगा, कॉलेज से अप्रूव होने का डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास जाएगा वो अप्रूव करेगा, उसके बाद DAO के पास जाएगा वो अप्रूव करेगा, उसके बाद में AA के पास जाएगा। तो AA अप्रूव जब होगा उसके बाद में ही आपको पैसा मिल पाएगा। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं या किसी भी तरह का अटकली हो रही है तो वो क्या करें, 30 अप्रैल से पहले फॉर्म को भर दीजिए। मैं बोलूंगा फिर से रिपीट करूंगा कि पहले से ही भर दीजिए, बाद में साइट स्लो हो जाता है, माथा पटकते रह जाइएगा, साइट काम नहीं करेगा, अप्लाई नहीं कर पाओगे, इसलिए पहले से ही आप उसको अप्लाई कर लीजिए, कॉलेज बैंक जा करके जमा करा कर लीजिए अपना डॉक्यूमेंट, और वहां से जहां पर अप्रूवल मांगा गया है CSC से, प्रज्ञा केंद्र से, वहां से जरूर अप्रूवल करा करके डालिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, नहीं तो बाद में क्या होगा आपका रिजेक्ट होगा फिर आप दौड़ते रहेंगे, उससे अच्छा पहले से जरूर ये करके जाइएगा। और किसी भी तरह का दिक्कत होती है उसके लिए कमेंट कीजिए, वीडियो कैसा लगा इसके लिए भी जरूर कमेंट कीजिएगा, और थोड़ा शेयर कीजिए, जो स्टूडेंट हैं जिनके तक मैं ये नहीं पहुंच पा रहा है उनके तक कम से कम इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, उसके लिए शेयर जरूर कीजिएगा, और बने रहिएगा NKP प्रोडक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।